नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है देश में कोरोना की ये दूसरी वेव बहुत खतरनाक साबित हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर घर पहुंच गई है ये कोरोना की वेव, और घर में आप जहां कहीं देखिए अगल में बगल में ऐसी खबरें आ रही है जो आपको चिंतित कर रही है। ऐसे में जब 24 घंटे में 3,82,000 केसेस कोरोना के आ गए हो और केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ये कहे कि हमें तीसरी वेव के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में ये तीसरी वेव भी आएगी अभी के हालात को देखकर, अब ये तीसरी वेव कब आएगी, इसका पीक कब होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि अभी तो सिर्फ महज शुरुआत हुई है, ये सेकेंड वेव है, तीसरी बड़ी लहर आनी बाकी है। इसकी तैयारी कैसी है, हम कहां पहुंचे हैं और कितना और आगे आना बाकी है, आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी बड़ी खबर पर आधारित है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से भले ही त्राहिमाम है, लेकिन आज उसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आईं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी आज की तीन बड़ी खबरें नोट कर लीजिए। पहली खबर, कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। दूसरी खबर, तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी ये कह नहीं सकते। तीसरी खबर, कोरोना हवा के जरिए नहीं फैल रहा है। ये अहम बातें केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कही हैं। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. यानी एक बात तो तय है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसी के साथ आज के ताजा आंकड़े भी जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड के मामले करीब 2.4% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस दौरान मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है। जो डेथ रिपोर्ट हुई है उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, तेलंगाना, झारखंड, अंडमान और लक्षद्वीप में केस कम हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़, त्रिपुरा, असम और हिमाचल प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस वक्त छोटे शहरों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि छोटे शहरों के लोग करें तो क्या करें। वहाँ पर आज भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, दवाएं मिल नहीं रही और कालाबाजारी चरम पर है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की तस्वीरें देखिए, जहाँ एक बागीचे में पेड़ पर ड्रिप की बोतल टांगकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। इन लोगों को डर है कि अस्पताल में गए तो दर दर भटकना भी पड़ेगा और कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा वो अलग। सवाल ये है कि देश में ये हालात अभी कब तक रहेंगे और क्या कोरोना की तीसरी लहर लोगों की और परेशानी बढ़ाने वाली है। देखिए, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं कोरोना के, ये आप अच्छे से जानते हैं। लोग परेशान हैं, तमाम तरह की मदद का दावा किया जा रहा है लेकिन मदद कहीं से मिल नहीं पा रही है। ना प्राण बचाने वाली ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना वो अस्पताल में जगह मिल पा रही है जहां पर आपको बस इस बात का यकीन हो जाए कि कोई है जो आपकी सेहत का या आपका ख्याल रखेगा। स्थिति सच्चाई वाली ये है कि अभी भी आपको एक अदद बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हॉस्पिटल वाले ने बोला अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हो तो हम इनको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ससुर जी तो खत्म हो गए, सांस सांस की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है।
कहीं भी चले जाएं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। 15-20 मिनट ऑफ ना, अगर यहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँची ट्रेजेडी हो जाएगी, बहुत लोग नहीं बचेंगे यहाँ पर। जो बात अभी तक आम आदमी की जुबान से सुनने को मिल रही थी, आज कोर्ट ने भी खुलकर वही कह दिया कि और कुछ नहीं है, नरसंहार। यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई है, ना रिसेप्शन में कोई है। चीखते पुकारते कराहते लोगों की जबान अब लड़खड़ा रही। ऑक्सीजन की किल्लत से जिनके रिश्तेदार दम तोड़ रहे, उनके हलक से अब आवाज तक नहीं निकल रही। और यही वजह है कि अब अदालतें कह रही कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, लोगों के प्राण नहीं बचाए जा सकते, तो ये और कुछ नहीं, नरसंहार। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते मरीजों की मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत एक आपराधिक कृत्य है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट लेस देन जिनोसाइड। हाई कोर्ट ने कहा, हम लोगों को मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत से अदालत दर्द में है। जिम्मेदार अफसर 48 घंटे के अंदर हकीकत पता लगाकर कार्रवाई करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह फटकार यूं ही नहीं है, इसके पीछे सच्चाई है। दो तस्वीरें देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें यूपी की हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बड़े कंटेनर लेकर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बरेली स्टेशन पहुंची है। इससे पहले लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान जा रही है। लोग ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े हुए हैं, एजेंसी के बाहर खड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रही। नाराज होकर कहीं लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। लखनऊ में भी ऑक्सीजन को लेकर लोग दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली NCR में भी ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। हम मायापुरी में मौजूद हैं और जो विनायक गैस एजेंसी है उसके बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है और लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अब एक नया फरमान यहां पर लगा दिया गया है। वो ये, आप अगर इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तभी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस बीच दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल से अच्छी खबर आई। यहां फ्रांस से आए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहा जा रहा है कि इससे काफी हद तक ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलेगी। ये ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है वो देखिए। ये ऑक्सीजन प्लांट एक कॉम्पैक्ट प्लांट है, जिसके अंदर हम वायुमंडल से हवा लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन हवा ली जाती है, दूसरा हवा को फिल्टर कर दिया जाता है, हवा प्योर हो जाती है, सारा प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जिसके अंदर हवा को गर्म कर दिया जाता है, उसकी भाप निकाल दी जाती है, हवा सारी यहाँ पर स्टोर हो जाती है। इसके बाद में ये हिस्सा है जिसमें मशीन पूरा जो ना चाहने वाली गैसें हैं वो निकाल दी जाती हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ ऑक्सीजन इसमें टैंक में स्टोर हो जाती है, इसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके हम टैंक सिलेंडर्स में इसको भर देते हैं। दिल्ली के एम्स और RML हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम शुरू हो गया है। दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन कल से शुरू हो जाएगा। ये प्लांट लगाने के लिए DRDO ने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में इस्तेमाल की जाती है। कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO भी उतर गई है और DRDO पूरे देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। ये LCA तेजस जो फाइटर जेट है, उसके जो एयरबोर्न जो फाइटर पायलट्स होते हैं, जो आसमान में 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जो उड़ान भरते हैं, उनको जो ऑक्सीजन जो सप्लाई की जाती है, उसी ऑक्सीजन सप्लाई का जो प्लांट है वो DRDO ने तैयार किया। और जब देश में जरूरत पड़ी, हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए, तब ये प्लांट लगाए गए। आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये 500 जो प्लांट्स हैं, इनमें से 5 जो प्लांट्स होंगे वो 10 मई तक वो राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में लगेंगे। इस ऑक्सीजन प्लांट में एक मिनट में करीब 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। इस सिस्टम से एक साथ 190 मरीजों को 5 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है और एक दिन में 195 सिलेंडर को रिफिल किया जा सकता है। पूरा सिस्टम है, इसमें कंप्रेसर होता है जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है। ये एट ए टाइम एक टावर में वो ऑक्सीजन जनरेट होती है, दूसरे में प्रेशर रिलीज होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है 24 घंटे में।
और इसमें 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट होती है। अभी हॉस्पिटल को सप्लाई पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, उनका एक अलग से हॉस्पिटल के कैंपस में हम ये प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि जो है जो हॉस्पिटल अपने लिए अपने कैंपस के अंदर ही ऑक्सीजन जनरेट कर पाए। जिन 5 जगहों पर ये प्लांट लगाए जाएंगे उनमें एम्स दिल्ली, एम्स झज्जर, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली और आरएमएल अस्पताल दिल्ली शामिल हैं। इस पूरे प्लांट की फंडिंग पीएम केयर फंड से की जा रही है। दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई हो रही है, इसका लेखा जोखा आज आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने सामने रखा। राघव चड्ढा के मुताबिक दिल्ली को अभी तक का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कल मिला, जो 555 मीट्रिक टन था। 976 के मुकाबले 555 मीट्रिक टन मिला, जो कुल जरूरत का 57% है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमें 187 क्रायोजेनिक टैंकर की जरूरत पड़ेगी। ये टैंकर्स दिल्ली को मुहैया कराए जाएं, ये भी हमारी मांग है। ऐसा ना हो कि जब हाईकोर्ट केंद्र को डांटे तभी हमें ऑक्सीजन मिले। टैंकर्स अगर नहीं मिले और खाली ऑक्सीजन मिल गई तो उसका क्या फायदा? तो जिस हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण किया है उसी हिसाब से टैंकर्स का वितरण भी होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए शो कॉज नोटिस पर रोक लगा दी है, तो हाईकोर्ट ने पूछा कि इसका मतलब तो यह है ना कि दिल्ली को अभी भी केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही होगी। इतना नहीं, इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जंग में दुश्मन अगर आम है तो एकजुट हो जाना चाहिए, भले ही आप दुश्मन क्यों ना हो। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के आदेश का पालन न होने पर कल केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र के वकील ने कहा, अवमानना के मामले में कार्रवाई से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। केंद्र ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने माना कि मुंबई में कोरोना पर बेहतर काम हुआ है, हमने मुंबई सरकार से उनके मॉडल की जानकारी मांगी है। सप्लाई को लेकर भले ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत क्यों ना मिल गई हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए उस शो कॉज नोटिस पर रोक क्यों ना लगा दी हो, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्यों ना केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आज रात तक दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। तो क्या आप देश में जो कुछ भी करेंगी वो अदालतें ही करेंगी और सरकारें सिर्फ आंकड़े बताएगी? वादा किया था कि आपके लिए वो रिपोर्ट हमने तैयार की है जो आप तक पहुंचानी है, कि आपको उस स्थिति में जाना ही ना पड़े जहां ऑक्सीजन की किल्लत आप महसूस करें और दर दर भटकना पड़े। सबसे ज्यादा परेशानी इस सेकेंड वेव में क्या हो रही है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो गिर रहा है, लगातार 90 नीचे गया, मतलब स्थिति थोड़ी खतरनाक है। आपके फेफड़े इतने मजबूत नहीं हैं जितने बाकियों के हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ वो चीज़ें जिनका अगर आप कायदे से ख्याल रखेंगे तो स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार से हमने खास बातचीत की है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप अकेले हैं तो ये आपको स्वयं करना है, तो मैं एक सोलो ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, और कई लोग हैं तो इसको ग्रुप में कर सकते हैं, उसके बाद में अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको ग्रुप एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं, तो आपने बैठे, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने थाइस पर रख लीजिए और मुंह से सांस लेंगे, क्योंकि कई लोगों को नाक में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है तो मुंह से बड़ा स्मूथली सांस जाती है। अब देखिए मैंने सांस निकाल दी, मुंह खोला, तो मैंने मुंह खोल के गहरी सांस खींची थी और पूरी खींचती चला गया था और खींच करके उसको रोक लिया था। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 35 सेकंड तक रोक सकता हूं, जल्दी छोड़ा मैंने, लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए। तो गहरा सांस खींचना और उसको रोकना ये जरूरी है। अब मैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेरणा, उनके साथ आपको यह ग्रुप एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो आप लोग सीधे बैठ जाइए, चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल हाथों को आगे अपना रिलैक्स पोजीशन में रख लीजिए और
मैं 1 2 3 जब कहूंगा तो 3 के काउंट पे आप लोग मुंह खोल के गहरा सांस खींचेंगे 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 खींचते जाएंगे और मैक्सिमम जब आपको लगे नहीं खींच सकते हैं तो 5% और खींचेगा और फिर अपने को फ्रीज कर दीजिएगा। चलिए 1 2 3 और खींचे 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 बिल्कुल अब अपने को फ्रीज कर दीजिए, तीनों फ्रीज कर दीजिए। आप इमेजिन करिए कि ये जो अंदर इतनी हवा आपने भर ली है लंग्स के अंदर, ये आपके लंग्स को जो बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट है उसमें भी हवा जा रही है, ये हवा से लंग्स फैल रहे हैं, लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए, ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर संभव हो इसको रोक के रखिए। जब आपको लगे नहीं रोका जा सकता 1-2 सेकंड और रोकिएगा, आपको जान लगानी है क्योंकि यह आपके लंग्स की पावर को बढ़ा रहा है, आपकी ब्रेथ होल्डिंग बढ़ा रहा है, आपके लंग्स का पेरिफेरल पार्ट को ओपन अप करके टोटल लंग अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज आपका बढ़ा रहा है। रोक के रखिए, रोक के रखिए, बिल्कुल रोक के रखिए। जो लोग आप परिवार में देखें कोई जल्दी छोड़ पाएगा कोई देर तक रोक पाएगा, तो जो सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है वो दूसरों को एनकरेज करेगा, अरे भैया अरे भाभी चलो देखो मेरे साथ करो मैं और बढ़ाओ, एक दूसरे को एनकरेज करके इस ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। यह एक अच्छी ग्रुप एक्टिविटी है, ये आपके लंग्स को हेल्दी कर रही है, ये आपको और अच्छा बनाएगी। तो देखिए प्रेरणा ने शायद 2-3 सेकंड पहले रोक दिया, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा ने उससे ज्यादा इसको रोका, तो एक दूसरे को आप एनकरेज करेंगे तो आप एक दूसरे का ब्रेथ होल्डिंग टाइम और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। अब हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके दिखाते हैं। सिस्टर नेहा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें रीडिंग इनकी अभी सैचुरेशन 97 दिखा रहा है। अब हम इस प्रोब को निकाल के रख देंगे और अब ये कमरे के अंदर 6 मिनट्स तक वॉक करेंगी। आपको भागना नहीं है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट्स तक लगातार वॉक करना है। वॉक करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चलें। चलते रहें, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है, 6 मिनट्स तक कंटिन्यूअस वॉक करना है। अब हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ये वॉक करती रहेंगी, हम 6 मिनट पूरा होने पे फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए इन्होंने 6 मिनट का पूरा वॉक कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको ऑन करके फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि अब इनका सैचुरेशन क्या है। इधर दिखाइएगा, देखिए इनकी सांस फूल रही है, आप देखेंगे इनकी सांस फूल रही है क्योंकि इन्होंने काफी तेज वॉकिंग की है, लेकिन अभी हम सैचुरेशन देखते हैं कितना है, 98। तो एक्चुअली 97 से स्टार्ट हुए थे और वॉक करने पे इनका 98 हो गया, तो कोई फॉल सैचुरेशन में नहीं हुआ। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो 3-4% का फॉल शुरू होता है, वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आपके वॉकिंग करने पे कोई भी फॉल सैचुरेशन में नहीं है इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक। अब जरा इस नए वेरिएंट के बारे में बात कर लें जो आंध्र प्रदेश में पाया गया है, वैज्ञानिक इसे एपी वेरिएंट कह रहे हैं और ये वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। हालांकि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते हम जो मूल रूल्स और रेगुलेशंस है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, अगर उसका हम पालन करेंगे तो दुनिया का कितना भी खतरनाक वेरिएंट क्यों नहीं है आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन इस वेरिएंट के बारे में जो कुछ हमने पता लगाया है वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये वायरस आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम समेत दूसरे हिस्सों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई थी। ये आम लोगों के बीच काफी तेजी से फैला है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये वेरिएंट अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों ने कई केंद्रों से वायरस का सैंपल इकट्ठा किया है, उनमें से 50% में कोरोना का N440K वेरिएंट पाया गया है। कितना खतरनाक है एपी स्ट्रेन?
कोरोना वायरस के इस एपी स्ट्रेन को N440 के नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूद स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये B1.617 और B1.618 के बाद आया नया वेरिएंट है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए हैदराबाद के मशहूर संस्थान सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक राकेश मिश्रा का मानना है कि ये एपी स्ट्रेन नया नहीं है बल्कि ये पहले से मौजूद है। आंध्रा वेरिएंट है, ये एक्चुअली कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये गलत तरीके से पेश हुआ है मीडिया में। ये इसका नाम है N440 के म्यूटेशन से ये जाना जाता है और ये एक साल से मौजूद है। इसकी ओरिजिन हिंदुस्तान में नहीं हुई, ये बाहर से आया हुआ है और फर्स्ट वेव में भी ये पाया गया था और धीरे धीरे ये दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित हो गया और 2-4 महीने पहले तक ये करीब 30-40% तक था आंध्रा तेलंगाना केरला कर्नाटका इन जगहों पे। और अभी लेकिन जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी वजह से ये जो है कम होता जा रहा है और आज की तारीख में शायद ये 5-10% से भी कम हो गया है जो रीसेंट डेटा दिखाता है। तो ये निहायत गलत समाचार पता नहीं कैसे फैला हुआ है कि ये आंध्रा वेरिएंट है या ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इनफैक्ट ये कम इन्फेक्शियस है और ये ख़त्म हो रहा है, अगले कुछ हफ्तों में हम इसको नहीं पाएंगे इन जगहों पे। ठीक है, और इसकी ओरिजिन जो है जैसे मैंने कहा ये आंध्रा में नहीं हुई थी, ये बहुत पहले से बहुत पुराना है, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। दक्षिण भारत में जो 5 वेरिएंट मिले हैं इनमें एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना और महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। क्यों खतरनाक है एपी स्ट्रेन? नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3-4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पेनिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़ों तक पहुंचना बंद हो जाती है। सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इसका डबल म्यूटेंट का जो है वो थोड़ी जो उसकी इन्फेक्टिविटी है ना, कंटेजियसनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। वो एक फैलता बहुत जल्दी है एक दूसरे को। जैसे पहले वायरस था तो आप किसी को एक्सपोज होते थे, 40% चांस होता था कि 1 सिंगल एक्सपोजर से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जो डबल म्यूटेंट है उससे ऑलमोस्ट 80-100% चांस होते हैं, जैसे आप किसी के एक्सपोजर में आए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सारे जो परिवार हैं, जिस परिवार में एक हो रहा है, जिस बार सारे परिवार को ऑलमोस्ट हो जाता है। कोरोना के आंध्र प्रदेश वेरिएंट का असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। नागपुर में कुल 74 सैंपल दिल्ली में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, इनमें 5 में अलग अलग म्यूटेंट पाए गए। VRDL नागपुर से 74 सैंपल्स NCDC न्यू दिल्ली, यहाँ हमने म्यूटेशंस जीनोटाइपिंग के लिए भेजे थे, उसमें से 35 स्ट्रेन्स में हमको म्यूटेशंस पाए गए। 5 प्रकार के म्यूटेशंस उसमें पाए, उसमें जो ड्वेल म्यूटेशंस है जो 26 सैंपल्स में हमको पाया गया, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस म्यूटेशंस अपन बोल सकते हैं उसमें। डबल म्यूटेंट का पहला जिक्र मार्च में हुआ था, तब सरकार ने कोरोना से प्रभावित 4 राज्यों महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली और पंजाब से वायरस के सैंपल जमा करके उस पर रिसर्च की और ये नतीजा निकाला था। इसके साथ ही डर जताया जाने लगा कि वायरस का डबल म्यूटेंट ही बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि फिलहाल ऐसा निश्चित नहीं हो सका है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से समझने की कोशिश में थी कि इसी बीच ट्रिपल म्यूटेंट की चर्चा होने लगी। बंगाल वेरिएंट क्या है? पश्चिम बंगाल में SARS-CoV-2 के इस नए वेरिएंट का पता लगा है। ये वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायरस के 3 रूपों ने मिलकर एक नया अवतार ले लिया। वैज्ञानिकों ने इस ट्रिपल म्यूटेंट को B.1.618 नाम दिया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसमें पाया जाने वाला जेनेटिक वेरिएंट ज्यादा चालाक है। ये उन लोगों के शरीर पर भी हमला कर सकता है जिनके शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। भारत में भी देखिए, वायरस जहां पे भी रहेगा, वायरस लोगों के अंदर म्यूटेट करता है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन है तो वेरिएशन भी म्यूटेशन भी ज़्यादा उसमें होंगे, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो अभी जो तो करंट सिचुएशन है कि इंडिया में 2 तरह के वेरिएंट ज़्यादा हैं, तो फुटप्रिंट ज़्यादा है। एक तो UK वेरिएंट जो कि जिसकी ओरिजिन UK में हुई और वहाँ से किसी रास्ते से ही आया, और दूसरा जिसको हम
B.1.617 बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में जिसकी ओरिजिन हुई और वो कुछ इंडिया के कुछ भागों में वो ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, और यही जो दो वेरिएंट्स हैं यूके वाला उत्तर भारत में और ये दूसरा जो इंडिया का वेरिएंट था वो वेस्ट में और साउथ इंडिया में ज़्यादा फैल रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह माने जा रहे वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर नई जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्ट्रेन ब्रिटेन के वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक इस बात के बहुत कम सबूत मिले हैं कि ये ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज्यादा घातक है। ये वेरिएंट महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिले हैं। B.1.617 वेरिएंट क्या है? कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम B.1.617 बताया जा रहा है। भारत समेत जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर और फिजी जैसे करीब 17 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है। B.1.617 वेरिएंट में वायरस के बाहरी स्पाइक भाग में दो प्रकार के म्यूटेशंस पाए जाते हैं, जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। ये दोनों कोरोना के कई अन्य वेरिएंट्स में भी अलग से होते हैं, लेकिन किसी वेरिएंट में पहली बार इन दोनों म्यूटेशंस को एक साथ देखा गया है। आपने अगर स्टडी की हो तो जो हमारी फर्स्ट जो वेव थी जो पिछली साल आई थी अप्रैल के बाद से जो शुरू हुई थी और नवंबर तक जिसका के प्रकोप रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि हमें ऑक्सीजन की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका रीजन एक था कि जो हमारे म्यूटेंट्स थे उस समय जो इस वायरस के, उनमें इस तरह का प्रकोप नहीं था। जो आजकल हम देख रहे हैं जिसके भी जो भी म्यूटेशंस हुए हैं और पर्टिकुलर जो इंडियन म्यूटेंट है जिसको कि हम डबल म्यूटेंट 617 बोल रहे हैं, इसकी खासियत ही ये है कि ये बहुत से लोगों में तो आपको खांसी भी नहीं मिलेगी, जुकाम भी नहीं मिलेगा, वो सीधा डायरेक्टली फेफड़े के ऊपर जा रहा है और आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ है, पर सडनली आपको एकदम सांस की। तो ये जो नया रूप इस वायरस ने लिया है, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। इसका सबसे पहली बात पता तब चला जब पिछले साल सितंबर के महीने में ब्रिटेन में इसका अलग रूप मिला। वायरस ने कब कब रूप बदला? पहला म्यूटेशन ब्रिटेन में मिला था, जिसे यूके वेरिएंट या फिर B.1.1.7 भी कहा गया। ये रूप पुराने वायरस से कई गुना ज्यादा संक्रामक माना गया, यहाँ तक कि इसके कारण मृत्यु दर भी बढ़ी थी और यूके में आनन फानन में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद ब्राजील में नया वेरिएंट मिला जिसे B.1.351 नाम मिला। इसके मामले में दिखा कि कोरोना से ताजा उभरे मरीज भी इसकी चपेट में आने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट का सबसे पहला मरीज दिसंबर में अफ्रीका में सामने आया था। भले ही कोरोना के वायरस के कई रूप अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन भारत में कोरोना का मूल वायरस यानी कि SARS-CoV-2 अभी भी सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कोविड प्रोटोकॉल को मानने से ही असर दिखने लगेगा। I think this is an important message that we have a responsibility in curbing the spread. And more than the variants, the original SARS-CoV-2 is also still the dominant virus. So in that sense, these measures are still very valid and continue to be effective. So that needs to be done. भारत में अभी भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे नए वेरिएंट्स पैदा होने का खतरा लगातार बना रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू लगाया जा सके। ये कोई भी वायरस हो, ये यूके वायरस हो, ब्राजील वायरस हो, इंडिया वायरस हो, चाइना वायरस हो, कोई भी वायरस आपके मास्क को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता है। ना ऐसा वायरस हुआ है इस कोविड का, ना होगा। तो हमारा जो हथियार है इस वायरस के खिलाफ वो ऑलरेडी है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सभी वैक्सीन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वैक्सीन से प्रोटेक्शन है। और इजराइल में और अमेरिका में बहुत ही फायदा हुआ है इन वैक्सीन से, और हमारी भी जो वैक्सीन हैं वो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव हैं, कारगर हैं। तो इसलिए अगर हमने वैक्सीन का अच्छा खासा उपयोग कर लिया, 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जल्दी से अगले 2-4 महीनों के अंदर, और वैक्सीन के साथ ही हमको ये सोशल वैक्सीन का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम मास्क पहने 2-3 महीने, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं और हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं।
दुनिया में फिलहाल भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए रूप से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम और आप कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना करें और एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज निभाएं। अब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कोरोना के, उन्हें लेकर भी बुरी खबरें आना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार कोरोना से जंग हार गए। वो पंचायत चुनावों की ड्यूटी संभाल रहे थे, उन्हें कोरोना हुआ, उसके बाद होम आइसोलेशन में थे, लेकिन आखिरकार वो मनहूस और बुरी खबर आई। उनके पुराने वीडियो के जरिए हम राहुल कुमार को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। दर्दे दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि कोरोना के इस विकराल परिस्थिति से निपटने के लिए अब सेना भी आगे आ गई है, और इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा देना चाहती हूं कि ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। इसके तहत देश के 3 नेवल कमांड यानी मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्ची से खाड़ी के देशों में जहाज भेजे गए हैं। नौसेना का जहाज INS तलवार आज 27 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बहरीन से कर्नाटक के मैंगलोर पहुंचा। इसी तरह नेवी के 4 और जहाज कुवैत और कतर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। नौसेना ने पिछले साल कोरोना संकट के दौरान जो विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए समुद्र सेतु 1 ऑपरेशन शुरू किया था, अब उसे आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र सेतु 2 नाम के अभियान को शुरू किया है। ABP News, आपको रखे आगे।